Welcome back guys, I'm your educator Divyanshi Yadav and in today's lesson we are going to discuss a very important topic, that is Mudaliar Commission. So Mudaliar Commission is very important topic from examination point of view. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुदालिया कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, मुदालिया कमीशन में कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी गई हैं, इसके अलावा इसके डीमेरिट्स क्या क्या रहे एंड मॉडर्न इंडियन सेकेंडरी एजुकेशन में मुदालिया कमीशन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में भी हम जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. देखिए 1951 में क्या हुआ, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन था उसने एडवाइस दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट करना है. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है. सो गाइस, ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट एंड सबसे ओल्डेस्ट गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देना रिलेटेड टू एजुकेशन. इसके अलावा एजुकेशन की प्रोग्रेस क्या है टाइम टू टाइम ये भी चेक करता है. तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दी कि आपको एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट करना है. ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि उस टाइम पे जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था 1951 में, उसमें कई सारे डिफेक्ट थे और ज़रूरत थी इम्प्रूवमेंट की. इसीलिए गवर्नमेंट ने 23 सितंबर 1952 को एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट कर दिया, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि उस टाइम पे मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि मुदालियर कमीशन के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और इन्हीं के नाम पे कमीशन का नाम रखा गया मुदालियर कमीशन. नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं. फर्स्ट है टू स्टडी द कंडीशन ऑफ कंटेम्प्रेरी सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि मॉडर्न सेकेंडरी एजुकेशन की क्या क्या कंडीशन थी उसको स्टडी करना एंड उसको रीऑर्गेनाइज करने के मेजर्स को सजेस्ट करना. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंडिया के हर रीजन में सेकेंडरी एजुकेशन के क्या क्या एम्स होने चाहिए, कैसे करिकुलम होना चाहिए, कैसे टीचिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, इसके बारे में स्टडी करना एंड इसको इम्प्रूव करने के मेजर सजेस्ट करना. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स का कैसा पे स्केल है, उनकी सर्विस कंडीशंस कैसी हैं, इसके बारे में स्टडी करना एंड इसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है इसके बारे में मेजर सजेस्ट करना. इसके अलावा इंडिया के हर रीजन में सेकेंडरी स्कूल्स की कैसी कंडीशन है इसको स्टडी करना एंड उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके मेजर्स को सजेस्ट करना. इसके अलावा टू स्टडी एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ सेकेंडरी लेवल, यानी कि सेकेंडरी लेवल पे एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है एंड उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन एवरी प्रोविंस, यानी कि इंडिया के हर रीजन में जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं एंड उनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए रेमेडीज़ को सजेस्ट करना. सो दीज वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ऑल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन. नेक्स्ट टॉपिक इज रिपोर्ट ऑफ द कमीशन. सो उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम था, यानी कि 1952 में जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम था उसको स्टडी करने के लिए कमीशन ने दो मेथड्स को अडॉप्ट किया. कौन कौन से थे ये दो मेथड? फर्स्ट मेथड था क्वेश्चनायर मेथड एंड द सेकेंड मेथड वॉज इंटरव्यू मेथड. सो क्वेश्चनायर मेथड में क्या हुआ, सेकेंडरी एजुकेशन के हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चनायर प्रिपेयर किया गया. उस क्वेश्चनायर में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उनकी कई सारी कॉपीज बनाई गई और उन कॉपीज को इंडिया के कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भेजा गया. सेकेंड मैथड इज इंटरव्यू मैथड. इंटरव्यू मैथड में क्या हुआ, कमीशन के जो मेंबर्स थे वो एक लंबे टूर पे निकले और इंडिया के अलग अलग कोनों में गए. वहाँ पे जो स्कूल्स थे उन स्कूल्स में जाके उन्होंने सर्वे किया, जो टीचर्स थे प्रिंसिपल्स थे उनका इंटरव्यू लिया और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी. कैसी इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस्ड इन सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट करी. और इन दोनों मेथड की हेल्प से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार करी और इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ऑन 29 अगस्त 1953. ये रिपोर्ट 244 पेजेस की थी और 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड थी एंड इस रिपोर्ट में दो चीज़ें थी, फर्स्ट वॉज शॉर्टकमिंग्स एंड द सेकेंड वॉज रेमेडीज. उस टाइम पे जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम था, यानी कि 1952 में जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या क्या कमियां थी, क्या क्या डिफेक्ट थे, इसके बारे में दिया गया था रिपोर्ट में एंड इसके अलावा उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए रेमेडीज दी गई थी. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी कि उस टाइम पे जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या क्या डिफेक्ट थे जिसकी वजह से कमीशन को बनाना पड़ा. सो जब कमीशन ने सर्वे किया तो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां देखने को मिली. सो कौन कौन सी ये कमियां थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे.
देखिए सेकेंडरी एजुकेशन का मेन एम क्या होता है कि बच्चों को यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर किया जाए ताकि बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले पाएँ। जब बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप। लेकिन उस टाइम पे जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम था वो इस एम को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, बच्चों के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं देखने को मिल रही थी। सेकेंड इफेक्ट वॉज जो करिकुलम था सेकेंडरी एजुकेशन का वो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल था, यानी कि बच्चों की रियल लाइफ से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था और बच्चों की कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। एंड जो टीचिंग मैथड्स थे उसमें कई सारे डिफेक्ट्स थे, कोई भी मॉडर्न टीचिंग मैथड नहीं यूज़ किया जा रहा था। इसके अलावा जो टाइम टेबल था वो बहुत रिजिड था एंड अनसुटेबल टेक्स्ट बुक थी। बच्चों के को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था स्कूल्स में, टीचर को अपॉइंट करने के लिए कोई भी प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं था, जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस्ड लोग थे उनका अपॉइंटमेंट रह जाता था या फिर वो इस प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहते थे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सजेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में जो भी सजेशंस दिए गए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग सजेशन कि एम्स को लेके क्या सजेशन दिए गए हैं, करिकुलम को लेके क्या सजेशन दिए गए हैं, वोकेशनल एजुकेशन को लेके क्या सजेशन दिए गए हैं। पहला सजेशन है सजेशन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मुदालिर कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार करी उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो सिर्फ 11 से 17 साल तक के बच्चों के लिए होनी चाहिए एंड उसका ड्यूरेशन होना चाहिए 7 साल का एंड इट शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट है जूनियर सेकेंडरी स्टेज जो कि 3 साल का होता है एंड द सेकेंड इज हायर सेकेंडरी स्टेज जो कि 4 साल का होता है। यहाँ पे 3 ईयर्स का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्लासेस 6, 7 एंड 8 को इंक्लूड किया गया है एंड ये 4 ईयर्स का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्लासेस 9, 10, 11 एंड 12 इंक्लूड की गई है। इसके अलावा उन्होंने सजेस्ट किया कि जो इंटरमीडिएट क्लासेस हैं उनको पूरी तरीके से अबॉलिश कर देना चाहिए एंड जो क्लास 11th है उसको ऐड कर देना चाहिए विद सेकेंडरी एजुकेशन एंड क्लास 12th को ऐड कर देना चाहिए विद डिग्री कोर्सेज एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे मल्टीपर्पज स्कूल्स ओपन करने चाहिए जिसमें वेरियस कोर्सेज होने चाहिए, यानी कि बच्चों को जनरल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन में बच्चों के लिए स्पिनिंग, वीविंग, स्टिचिंग, वुडवर्क ये सब होना चाहिए, जिससे क्या हो बच्चा अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपना लाइवलीहुड भी अर्न कर पाए। एंड कमीशन ने सजेस्ट किया कि जो हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए। नेक्स्ट सजेशन है सजेशन रिगार्डिंग एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सो मुदालियर कमीशन ने 4 एम्स फिक्स कर दिए ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पहला एम है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। देखिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी नेसेसरी कि बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की क्वालिटीज डेवलप की जानी चाहिए। इंडियन डेमोक्रेसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि लिबर्टी, फेटर्निटी, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, जस्टिस, बच्चों को ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में अवेयर कराना चाहिए। नेक्स्ट एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स। सो अकॉर्डिंग टू कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसके बाद 70% बच्चे एक रियल दुनिया में एंटर करते हैं। सो इसीलिए बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए जिससे कि 70% बच्चे अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाएँ। इसके अलावा जो रिमेनिंग 30% बच्चे हैं उनके अंदर भी एक रिस्पेक्ट डेवलप होगी फॉर फिजिकल लेबर एंड दिस विल हेल्प कंट्री टू डेवलप इकोनॉमिकली। नेक्स्ट एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कब होगा? जब बच्चों की फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ जब बच्चे का मॉरल, कैरेक्टर एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा। इसके लिए बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। एंड द लास्ट एम इज डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। जो बच्चे होते हैं वो फ्यूचर सिटीजन्स होते हैं एंड आगे चल के उनको कई सारी फील्ड्स में लीड करना होता है, इसलिए बच्चों को स्कूल लेवल पे ही लीडरशिप ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नेक्स्ट सजेशन है सजेशन रिगार्डिंग करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सो मुदालिर कमीशन ने करिकुलम कंस्ट्रक्शन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स सजेस्ट करे। फर्स्ट प्रिंसिपल इज इट शुड बी रिलेटेड टू रियल लाइफ, यानी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों की रियल लाइफ से रिलेटेड हो। बच्चों को कुछ भी इमेजिनरी दुनिया के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको सिर्फ वही नॉलेज देनी चाहिए जो कि उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड हो, जिससे क्या हो जब बच्चा रियल सोसाइटी में बाहर निकले तो वह एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जी पाए। सेकेंड प्रिंसिपल इज एक्सटेंसिव एंड फ्लेक्सिबल। सो करिकुलम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिससे कि हर बच्चा अपने इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज कर पाए। थर्ड प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज शुड बी इंटर रिलेटेड, यानी कि बच्चों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है एंड जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जा रही हैं क्लास में वो आपस में इंटर रिलेटेड होनी चाहिए।
एंड द लास्ट एम इज़ टू इनेबल स्टूडेंट यूटिलाइज देयर लेजर, यानी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को इतना सक्षम बनाए कि उनको पता हो कि उन्हें अपना लेजर टाइम यानी कि उनको अपना फ्री टाइम कैसे यूटिलाइज करना है. सो कमीशन ने करिकुलम को 2 parts में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट है करिकुलम फॉर जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि जो जूनियर सेकेंडरी क्लासेस हैं उनके लिए करिकुलम कैसा होना चाहिए. सो उनके करिकुलम में मदर टंग होनी चाहिए एंड नेशनल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जिनकी मदर टंग हिंदी नहीं है, एंड कोई भी फेडरल लैंग्वेज होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जिनकी मदर टंग हिंदी है. इसके अलावा उनके करिकुलम में इंग्लिश होनी चाहिए, सोशल साइंस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए. सेकेंड पार्ट इज़ करिकुलम फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन. सो हायर सेकेंडरी क्लासेस में करिकुलम कैसा होना चाहिए. सो कमीशन ने 2 parts में डिवाइड किया इनके करिकुलम को. फर्स्ट वॉज कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो देखते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था. सो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में मदर टंग होनी चाहिए एंड हिंदी होनी चाहिए फॉर नॉन हिंदी स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री इंग्लिश होनी चाहिए या फिर एडवांस इंग्लिश होनी चाहिए या फिर कोई भी मॉडर्न फेडरल लैंग्वेज होनी चाहिए या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए अदर देन इंग्लिश या फिर कोई क्लासिकल लैंग्वेज होनी चाहिए. इसके अलावा सोशल साइंस होनी चाहिए ओनली फॉर फर्स्ट 2 years, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस होनी चाहिए ओनली फॉर फर्स्ट 2 years एंड इनमें से कोई भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे कि स्पिनिंग, वीविंग, मेटल वर्क, वुड वर्क, गार्डनिंग, हैंडीक्राफ्ट, स्विंग, एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग एंड टाइपोग्राफी. सो इनमें से कोई भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए इन कंपल्सरी सब्जेक्ट. तो हमने देखा कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए थे. नाउ लेट अस सी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं. सो कमीशन ने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को 7 categories में डिवाइड किया था एंड हर कैटेगरी का अपना एक डिफरेंट करिकुलम था. फर्स्ट कैटेगरी इज साइंस. सो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजियोलॉजी एंड हाइजीन होना चाहिए. सो ये साइंस का करिकुलम है. सेकेंड कैटेगरी इज कॉमर्स. सो कॉमर्स में बुक कीपिंग, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, कमर्शियल, ज्योग्राफी एंड एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब होना चाहिए. सो एक बात ध्यान रखिए कि ये अभी की बात नहीं हो रही है, ये 1952 की बात हो रही है कि उस टाइम पे कैसा करिकुलम बनाया था कमीशन ने. नेक्स्ट कैटेगरी इज ह्यूमैनिटीज़. सो ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड किया गया था देखते हैं. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सिविक्स, साइकोलॉजी एंड लॉजिक, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, होम साइंस, क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड की गई थी. नेक्स्ट कैटेगरी इज टेक्निकल. टेक्निकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग इंक्लूड की गई थी. फिफ्थ कैटेगरी इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड बॉटनी इंक्लूड की गई थी. सिक्स कैटेगरी इज फाइन आर्ट्स. फाइन आर्ट्स में पेंटिंग, मॉडलिंग, म्यूजिक, डांस, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग इंक्लूड की गई थी. सेवेंथ एंड द लास्ट कैटेगरी इज होम साइंस. सो ये होम साइंस सिर्फ गर्ल्स के लिए थी. इसमें इंक्लूड किया गया था होम इकोनॉमिक्स, फूड, न्यूट्रिशन, कुकिंग, मदरहुड. मदरहुड यानी कि नर्सिंग एंड चाइल्ड केयर के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए यानी कि गर्ल्स को. इसके अलावा होम मैनेजमेंट. अगला सजेशन है सजेशन रिगार्डिंग एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग. सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन गिवन बाय मुदालियर कमीशन. इस साल भी क्वेश्चन आया था 2021 में कि मुदालियर कमीशन में एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में क्या सजेशन दिए थे. सो कमीशन ने सजेस्ट किया था कि हर रीजन में एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो स्टैब्लिश किए जाने चाहिए. इसके अलावा हर सेकेंडरी स्कूल में गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए टाइम टू टाइम, एंड इन सर्विसेज को कंडक्ट कराने के लिए करियर मास्टर्स होने चाहिए, गाइडेंस ऑफिसर्स होने चाहिए. एंड ये जो करियर मास्टर्स एंड गाइडेंस ऑफिसर्स होते हैं इनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई जानी चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड बच्चों को जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी वो उनके इंडिविजुअल डिफरेंट स्पेसिस पे प्रोवाइड की जानी चाहिए क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता है. सबके इंटरेस्ट, सबकी एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड सबका अलग अलग होता है, इसलिए हर बच्चे को उनके इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे गाइडेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए. सो दीज वर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन गिवन बाय मुदालियर कमीशन. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डीमेरिट्स ऑफ द कमीशन. सो मुदालियर कमीशन के कुछ डीमेरिट्स भी थे. फर्स्ट डीमेरिट इज ओवरबर्डन्ड एंड डाइवर्स करिकुलम. जो करिकुलम है बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है, डाइवर्स है, कई सारी लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई हैं एट सेकेंडरी लेवल. इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो 7 categories में डिवाइड किए गए हैं एंड हर कैटेगरी का अपना एक करिकुलम है
उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो आगे चल के और भी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए हैं. सो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन एंड डाइवर्स करिकुलम हो गया है. इसके अलावा सेकेंड डिमेरिट वॉज नो क्लियर सजेशन फॉर इंग्लिश. सो इंग्लिश को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजिंग सजेशन दिया है कमीशन ने. इंग्लिश को कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में भी रखा है एंड इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी रखा है. थर्ड डिमेरिट इज कॉस्टली मल्टीपर्पज स्कूल. सो मल्टीपर्पज स्कूल्स खोलने की बात तो की गई है लेकिन इसके एक्सपेंडिचर की बात नहीं की गई है. फोर्थ डिमेरिट इज इल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. सो सेकेंडरी एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इल डिफाइंड है क्योंकि ये कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट क्लासेस को अबॉलिश कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए विद सेकेंडरी एजुकेशन एंड क्लास ट्वेल्थ को ऐड कर देना चाहिए विद डिग्री कोर्सेज. वेयर इज़ वो कह रहे हैं कि जो ड्यूरेशन है वो 7 ईयर्स का है लेकिन अगर आप देखें तो टोटल 6 ईयर्स का है ये ड्यूरेशन क्योंकि क्लास ट्वेल्थ को आप इंक्लूड कर दे रहे हैं विद डिग्री कोर्सेज. तो उसके अलावा कौन कौन से क्लासेस बची? क्लासेस 6th, 7th, 8th एट जूनियर लेवल एंड क्लासेस 9th, 10th एंड 11th एट हायर सेकेंडरी लेवल. सो जो टोटल ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स की है ना कि 7 ईयर्स की. तो इसलिए काफ़ी इल डिफाइंड स्ट्रक्चर बोला जा रहा है इसको. अनदर डिमेरिट इज नो सजेशन रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन. सो वुमेन एजुकेशन की कोई बात नहीं की गई है इस कमीशन में. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडियन सेकेंडरी एजुकेशन. सो मुदालिर कमीशन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडियन सेकेंडरी एजुकेशन? तो चलिए देखते हैं. सो कमीशन की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल लेवल पे एक ऑल इंडिया एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर्म किया गया टू फाइंड आउट प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड सजेस्ट देयर रेमेडीज. इसके अलावा एजुकेशन जर्नल साइंस कंपलसरी कर दी गई क्योंकि आज के लाइफ में एक सक्सेसफुल जिंदगी जीने के लिए जर्नल साइंस की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा कुछ सेकेंडरी स्कूल्स में NCC ऑर्गेनाइज किया गया. मदर टंग को मीडियम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाया गया जिसकी वजह से सेकेंडरी एजुकेशन और ज़्यादा एक्सपेंड हो गई. टीचर्स की ट्रेनिंग में, उनके पे स्केल्स में, उनके सर्विस कंडीशन में जो भी रिफॉर्म्स लाए गए हैं एट सेकेंडरी लेवल, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है मुदालिर कमीशन का. एंड इस रिफॉर्म की वजह से जो कैपेबल पर्सन थे वो भी इस प्रोफेशन में आने लगे. इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल्स में एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ को अवेलेबल किया गया. So this is it guys with Mudaliar Commission, also known as Secondary Education Commission. And these are the upcoming videos. Next video में हम discuss करेंगे about Kothari Commission. And उसके बाद हम पढ़ेंगे about Gandhian Educational Philosophy. So stay tuned and don't forget to like and subscribe if you enjoyed the lecture. See you in the next lesson. Thank you very much.